उस रात की घटना के सारे सबूत कोर्ट के सामने पेश करता हूं। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि डीसीपी गंगा का उस काले धन से कोई संबंध नहीं है। इसलिए मुल्जिम के कटघरे में खड़ी हुई मेरी मुवक्किल गंगा का इस केस से कोई संबंध नहीं है। वो निर्दोष है, उसे बाइज्जत बरी किया जाए योर ऑनर। सारे सबूतों पर गौर करने के बाद डीसीपी गंगा ने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया है, ये साबित हो गया है। इसीलिए ये अदालत डीसीपी गंगा को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू सर। झूठ के बवंडर में फंसकर, अन्याय के हाथों में फंस रही थी, मुझे इससे बचाकर फिर से अपना फर्ज निभाने के लिए कानून पर विश्वास दिला दिया। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा एहसान मैं भी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैं आपको जानती तक नहीं, ऐसे में एहसान कब किया? वो मैडम, आपने कुछ दिन पहले एक लड़की की इज्जत बचाई थी, वो और कोई नहीं मेरी बहन थी। इसलिए मैं आपको थैंक्स कहने के लिए आपके घर गया था। उस दिन ये दुर्घटना घटी, इसलिए ये केस मैंने अपने हाथ में ले लिया। आप जैसे ईमानदार ऑफिसर के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए था। ये कुत्ते भेड़िए गरीबों के मुंह से निवाला छीन कर खा रहे हैं, ऐसे कुत्ते भेड़ियों का शिकार होना चाहिए। अन्याय के हाथ से न्याय को बचाना ही चाहिए। बिल्कुल सर, बरसों से आग मिचौली का खेल खेलने वाले पुजारी को अब असली ठिकाने पर पहुंचाने का वक्त आ गया है। आई विल किल दैट पुजारी। एनीवे, गुड लक मैडम। थैंक यू। पुलिस के बदन में वर्दी है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारे ऊपर रौब जमाए। किसी और का गुनाह मेरे ऊपर थोपा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ए कमिश्नर, ये ऑफिसर आने से पहले सब कुछ सही चल रहा था ना, हैं? पूरे शहर में शांति थी ना, लेकिन अब दिन ब दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। आजकल गली गली में लूटपाट, खून खराबा, रेप, चोरी चकारी हर दिन हो रहा है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम क्या जवाब देंगे? चुप क्यों बैठे, कुछ तो बोलिए। जैसे आप लोग समझते हैं वैसा हमारा डिपार्टमेंट खामोश नहीं बैठा है। वैसे भी मिस गंगा एक काबिल ऑफिसर है और पुजारी को तुरंत अरेस्ट करना ही हमारा डिपार्टमेंट का लक्ष्य है। ओ कमिश्नर साहब, आप ही क्यों कहे जा रहे हैं, इन्हें भी कुछ कहने दीजिए ना। क्या बात करूं मैं, हैं? क्या बात करूं? तुम लोगों के किए हुए कामों का निंदा करो या तुम लोगों की जुबान गंदी है ऐसा कहो? ये मर गया, वो मर गया, ये मर गया, ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। डिपार्टमेंट में किसी को कोई तकलीफ हो गई, ये किसी ने पूछा क्या? क्यों, हम लोग कोई इंसान नहीं है क्या? पब्लिक के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आता है, कभी किसी को कोई तकलीफ पहुंची, जनता सबसे पहले हमारे डिपार्टमेंट को फोन करती है। तुम्हारा पूरा डिपार्टमेंट हमारे हाथ के नीचे है। आई नो, बट ये भी याद रखो, पुलिस किसी की गुलाम नहीं है। हम लोग डिपार्टमेंट में भर्ती हुए हैं देश की सेवा करने के लिए, जनता की रक्षा करने के लिए, तुम्हारे घर की रखवाली करने के लिए नहीं। माइंडेड, किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए पहले ये सीखो तुम। तुमसे हमें ऐसा कुछ भी नहीं सीखना है, सब सीख कर ही आई हूँ। तुम्हारे कहे जैसा हम नहीं सुनेंगे, हमारे कहे जैसा तुम्हें सुनना होगा। तुम्हारे कहे हुए जैसा सुनने के लिए तुम्हारे पास नहीं हूँ और सप्लाई करने वाला प्योन भी नहीं हूँ, पुलिस हूँ। उस कोर्ट से भी बढ़कर हो तुम। एक खून करने वालों को कोर्ट सिर्फ 14 साल की सजा सुनाती है, वो भी वाद विवाद के बाद। बट गंगा, नो टाइम नो डिस्कशन ओनली एनकाउंटर। तुम सब अपनी गलतियों को सुधार कर जनता की सेवा करोगे तो ठीक है, या फिर एक ही गलती आप लोग बार बार करते रहोगे। आप लोगों को माफ करने के लिए ना ही मैं कृष्ण हूँ और ना ही आप लोग शिशुपाल हो। आप लोगों को मैं समझा नहीं रही हूँ, वार्न कर रही हूँ। नहीं तो तुम क्या करोगी? नाउ ऑनवर्ड नो स्पीच, ओनली शूट आउट। सॉरी सर।
Ah!